हेलो एवरीवान दिस इज डॉक्टर एस के सिंह आई हैव डन हैलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे एक घंटे में जो सबसे बड़ा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसके अंदर तीन बड़े बड़े चैप्टर हैं मोफोलॉजी एनाटमी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में खत्म करेंगे आपने कभी परिकल्पना भी नहीं किया होगा कि एक घंटे में ये तीन बड़े चैप्टर जिनके वेटेज बहुत ज्यादा है जिनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक घंटे के अंदर कैसे खत्म करेंगे अगर इस वीडियो को बार बार अगर आप देख लेंगे चार बार से ज्यादा देखेंगे तो मेरा दावा है कि सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स जो एनसीआर के हैं वो आपके जहन में समा जाएंगे और आप नीट में बहुत बेस्ट करेंगे पहली बार इस सेशन में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आप डॉक्टर बनने के जो राह है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और आप डॉक्टर जरूर बनेंगे बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके सारे के सारे नोट्स जो है मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा जो हैंड रिटन नोट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा मैं अन अकेडमी पे एनसीआर बेस्ड मॉक टेस्ट कराता हूँ लाइव मॉक टेस्ट चलता है सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे आप अन अकेडमी पे जरूर आ जाइएगा और बेहतर करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 2023 और 2024 के बैचेस चल रहे हैं आप उस बैचेस से ज्वाइन हो सकते हैं विद यूजिंग कोड डॉक्टर लेटर है बिना किसी गैप के साथ आप 10 प्रतिशत का छूट मिलेगा और 100 प्रतिशत मेरे गाइडेंस में आके पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे तो फ्लारिंग प्लांट समटाइम ऑल्सो रेफर्स टू द फेनरोगेमस इसे फेनेरो गेमस कहते हैं एंड द मोस्ट डोमिनेट प्लांट ऑफ द प्रजेंट मतलब पूरे डोमिनंट है पूरे इस समय काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है प्लांट मोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आउटर इस्ट्रक्चर कॉल मोफोलॉजी अगर प्लांट के बाहर से अगर देखें लीफ उसके स्टेम रूट तो दैट इज़ कॉल्ड मोफोलॉजी अगर हम इसे अंदर से देखें यानी जयलम में क्या है फ्लोएम कहाँ है प्रकीट कहाँ हैं वेसल्स कहाँ है, है एपेडामिस कहाँ है तो दैट्स कॉल्ड एनाटमी मोफोलॉजी आप रूट से स्टार्ट करते हैं रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज डेवलप फ्रॉम द एलोंगेशन ऑफ़ रेडिकल कॉटिलोडॉन में रेडिकल होता है रेडिकल गिव राइज़ टू द रूट फर्स्ट फॉर्म रूट इज नॉन एज प्राइमरी रूट प्राइमरी रूट जो होता है ये बिल्कुल अलाइन होता है और पहली बार जो रूट बनता है इसे प्राइमरी रूट कहते हैं इस प्राइमरी रूट पर दूसरी बार जो रूट बनेगा उसे सेकेंडरी रूट कहेंगे और सेकेंडरी रूट पे अगर जो रूट बनेगा उसे हम टर्सरी रूट कहेंगे तो फर्स्ट फॉर्म रूट इज नॉन एज प्राइमरी रूट एंड अदर ओरिजिनेटेड फ्राम द सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट रूट uh, कैप क्या होता है कि रूट के टिप के ऊपर देखेंगे तो रूट कैप होता है दे सिक्रीट ऑफ म्यूसिलेस विच इज़ अ शुगर लाइक सब्सटेंस और बहुत सारे बैक्टीरिया सॉल बैक्टीरिया वहाँ आते हैं जो वेस्कस नेचर है सॉल का उसे मुलायम कर देते हैं और रूट नीचे की तरफ धंसता जाता है तो रूट डू नॉट बियर अ बर्ड एक्सेप्शन द स्वीट पोटैटो एप्पल नोड अर इंटर नोड टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड बाय द टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप अच्छा इसमें रीजन uh, आपको पता होना चाहिए कि ये uh, रूट कैप के पास आपको रीजन ऑफ एलंगेशन दिखाई दे रहा है फिर आपको रीजन ऑफ मैचोरेशन और वहीं पे रूट रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आया है कि रूट हेयर कहाँ होते हैं तो रूट हेयर इज प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ मैचुरेशन रूट कैप द म्यूसिलेज सीट हेल्प इन ईजी पेनीटरेट द रूट एंड इन टू दॉयल एंड रूट कैप कंटेन द स्टार्च ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेवी परसेप्शन नीचे की तरफ जाते हैं

द रीजन ऑफ मेचोरेशन ऑफ एलोंगेशन विच इज एक्सटेंड अपवर्ड वो ऊपर की तरफ जाता है द सेल्स ऑफन एंड मैच्योन एंड डिफरेंसिएशन इट द वेरियस टिश्यू अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन होता है द कलस्टर ऑफ फाइन इससे क्वेश्चन आया हुआ है एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन द कलस्टर ऑफ फाइन डेलीकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रूट हेयर विच इज प्रोड्यूस जस्ट अब द रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड दे आर प्रेजेंट एट द जोन ऑफ मेच्योरेशन क्वेश्चन आया हुआ है तो रूट के अगर टाइप करें तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं टैप रूट रेडिकल से अराइज होते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स अदर देन रेडिकल से एराइज होते हैं देर एराइज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल स्टेम और लीफ से रूट निकल जाए तो टैप रूट के दो टाइप होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डी फीडर एंड सरफेस फीडर डी फीडर का मतलब वो नीचे की तरफ धसता जाएगा सो दैट इज कॉल्ड डी फीडर डाइकोट में होता है डी फॉर डी फीडर डी फॉर डाइकोट सरफेस फीडर मोनोकोट में होता है इसे साइमोस टैप रूट और फाइबरस टैप रूट भी कहा जाता है तो द डीप फीडर और रेसिमोस टाइप वेरी डीप इनटू द सॉयल सेकेंडरी रूट अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी रूट एंड एक्रोपिटल मैनर दैट इज ओल्डेस्ट रूट्स एट द बेस एंड यंगेस्ट एट द टिप यहाँ पे अगर देखेंगे ये मोनोकोट में दिखाई देता है द प्राइमरी रूट डज नॉट डीप इंटू द सॉइल एंड द सेकेंडरी रूट रन हो नियर टू द सर्फेस ऑफ अरेंज इन टू द एक्रोपिटल मैनर नाउ वी हॉकिंग अबाउट द टैप रूट मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट जो रेडिकल से आता है तो फ्लैसी रूट, रूट हो सकता है रेस्पिरेटरी रूट हो सकता है नोडुलेटेड रूट हो सकता है बटरस रूट हो सकता है रेप्रोडक्टिव टैप रूट भी हो सकता है फ्लैसी रूट का मतलब है कि ये फूड इकट्ठा करेगा एफ फॉर द फ्लेश स्टोरेज ऑफ फूड राइट तो फ्लैसी रूट स्टोरेज ऑफ फूड मेटीरियल एंड बिकम सोलन ये फूल जाता है कॉनिकल uh, कॉनिकल का एग्जाम्पल याद करिएगा कैरेट सी सी है ना का कैरेट तो फ्यूजी फॉर्म स्पिंडल शेप के होते हैं ट्यूबिकुलर इरेगुलर शेप होता है मेराबलिस दलापा में देखा जाता है रेस्पिरेटरी रूट से काफी क्वेश्चन आए हुआ आप देख पा रहे हैं दे आर निमेटो फूड लाइक स्ट्रक्चर और इसके टिप के ऊपर एक सेल होते हैं दे आर कॉल दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस राइट तो मैनग्रुव वेजिटेशन uh, ग्रो इन माशी एरिया जहाँ पे दल दल जमीने रहती है जहां पे गोबर ओबर रहता है मिथिन uh, रहता है ऑक्सीजन इज वेरी लेस दिस प्लांट कैन डेवलप नेगेटिव जियो ट्रॉपिक क्योंकि रूट जो हमेशा पॉजिटिव जियो ट्रॉपिक होते हैं जियो को मीन्स अर्थ अर्थ के तरफ जाते हैं बड़े अर्थ से अपोजिट जा रहा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम निगेटिव जियोटॉपिक बोलते हैं अकर इन हेलोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया हुआ है कि रेस्पिरेटरी रूट इज फाउंड इन हेलोफाइट हेलोफाइट्स में देखा जाता है सरफेस ऑफ निमेटो फोर द माइन्यूट पोर एंड दिस पोर इज इसको छोटे छोटे पोर्स होते हैं थ्रू विज द एक्सचेंज ऑफ गैस इज टेक प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट राइट नाउ वी हैव अ नोड्यूलेटेड रूट रूट के ऊपर ऐसे ऐसे नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं जितने भी लेग्यूम प्लांट होते हैं दलहनी प्लांट होते हैं जिनसे दाल ऑप्टन किया जाता है उसमें नोड्यूस देखा जाता है दे आर रिपोर्टेड इन फैमिली फैमिलीसी पी पीनट ग्राम सोयाबीन में देखा जाता है नोड्यूज आर मेनली प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी रूट नोड्यूज कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन बैक्टीरिया विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है uh, <clears throat> नेक्स्ट uh, बात करें दैट इज बटरस रूट प्लांट रूट स्प्रेड देटरल ऑन द सॉइल राइजिंग ऑट द बेस ऑफ द ट्रंक दे प्रोवाइडेड टू द ट्रंक बटरस रूट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रिपोडक्टिव टैप रूट हैविंग द बर्ड्स ऑन देम एंड रेपोडक्टिव रूट दिस बर्ड्स डेवलप इन टू द प्लाट सीसम का प्लांट होता है अब हम एडवेंटि रूट का मॉडिफिकेशन देखेंगे अभी हमने टैप रूट देखा एडवेंटि रूट ऐसा रूट जो कि रेडिकल से ना आए किसी स्टेम से या किसी अन्य पार्ट से निकले फ्लैसी प्रॉप स्टेल्ड मतलब ऊपर फाइटिक मतलब प्लांट प्लांट के ऊपर ग्रो करे फ्लॉटिंग और एसेमलेटरी रूट तो फ्लैसी रूट ऑब्वियस है दे आर स्टोरेज फॉर द फूड ट्यूबरस है ना एडवेंस रूट ऑफ ईच नोड इज इोडिफाइन टू सिंगल ट्यूब रूट फेसिकुलेटेड दही दहिया में होता है नोडुलेटेड टर्मरिक में पाया जाता है और बीटेड जो है करेला में देखा जाता है एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है प्रॉपरूट बनियान ट्री में देखा जाता है फाइकस बेंगलेंथिस आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन राइजोफा मैनग्रूव प्लांट दे आर सपोर्टिंग रूट हैंगिंग होता है सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द हैंगिंग कंडीशन द प्रॉप रूट आर हाइग्रोस्कोपिक एबजॉर्व द वॉटर एंड द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर स्टिल्ट रूट द ब्रेस रूट दे आर प्रेजेंट इन शुगर केन सैक्रम अलग अलग प्रजाति होती है सेक्रम मेज ज्वार स्वर्गम पेंडेलस इन सब में देखा जाता है दे प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द रूट आप देख पा रहे हैं ऐसा एपिफिटिक <laughs> रूट जो प्लांट के ऊपर ग्रो करें प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे तो ये सारा का सारा मटेरियल को खींच लगे प्लांट को ग्रो नहीं करने देंगे बट ये खुद ग्रो होंगे तो दे आर ऑल्सो नोन एज ए स्पीस पैरासाइट दे आर ग्रो अदर

एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बुलबिल इज एक्वेटिक्लाट देस देजीटेटिव प्रोपेगेशन दे आर हेल्प इनिव प्रोपेशलेरिया बर्ड्स में देखेंगे अपाइकल बर्ड्स और लेटरल अपाइकल well, का मतलब होता है कि इस टाइम के ऊपर टिपे हो तो अपाइकल और इधर उधर चारों तरफ हो तो दैट इज कॉल लेटरल ठीक है तो नाम ही काफी है बस The birds are present, uh, birds are present, uh, <clears throat> birds are present on the apex of the stem branches of the root is the apical birds, birds which is not present on the apex, the lateral birds. Uh, apex pe jo hoga, lateral hoga. Birds arising from the axis of the leaf are called axillary birds, and radial birds are present on the root, which is called sweet potato and dahlia. ब्रांचिंग ऑफ स्टेम रेसिमोस ब्रांच और साइमोज ब्रांच रेसीमोज में क्या होता है द एपिकल बर्ड्स प्लांट रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द एक्सेस ग्रो कंटिन्यूसली और साइमोस में uh, ऐसा कन्वर्ट इन टू द फ्लॉक अब हम स्टेम के मॉडिफिकेशन समझेंगे काफी इंपॉर्टेंट है एंड द फर्स्ट इज कॉल सकर सकर को याद करना है पी सी एम बी से याद करिएगा इसके एग्जाम्पल है पी फोर पोदीना राइट नहीं पी फोर पी फोर पाइन एप्पल सी फॉर सी फॉर क्राइसिंथम एंड एम फॉर मिंट एंड बी फॉर बनाना दिस इज इम्पॉर्टेंट सकर के एग्जाम्पल है दिस इज मॉडिफा मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम द स्पेशल ब्रांचे विच ग्रो ऑब्लिकली इन टू दॉयल एंड कम इन आउट द सॉइल मतलब वो नीचे ज़मीन में जाते हैं और जमीन से नीचे आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या है बट वो स्टेम ही है

नोड और इंटर नोड आर प्रेजेंट एडवेंटे बेसल नोड बेसल नोड से निकलता है बुल Bul बल्ब के बारे में बात करें द स्टेम इज रिड्यूस इन टू द ट्रांगुलर और कन्वेक्स स्टेम लीफ बेस ऑफ ए स्केल लीफ आर फ्लेडिबल द अनियन द स्टेम गेट रिड्यूस इन टू द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दे फॉर्म अ बेस विच इज एडेज रूटिंग एडवेंट रूट ऐसे निकलता है यहाँ पे अब हम एरियल स्टेम के बारे में बात करेंगे एरियल स्टेम uh, के बारे में बात करेंगे एरियल <coughs> स्टेम से बारे में बात करेंगे जो हवा में स्टेम है उसमें क्या मॉडिफिकेशन है तो स्टेम टेंड्रल्स दे आर डेवलप टेंड्रल्स मतलब कि अगर आप सपोर्ट देंगे तो उसके ऊपर वो क्लाइम हो जाएगा तो दे आर डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्थ दैट दैट इज कॉल्ड सिलेंडर स्पायरल कॉल दे हेल्प इन द प्लांट टू क्लाइम सच एज अ गार्ड है ना तो आपको सपोर्ट देंगे तो क्लाइम कर जाएगा ककम्बर पंपकिन वॉटरमेलन ग्रेप पाइन एग्जाम्पल है थॉन्स मतलब कांटे है ना तो दे आर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड विद कॉर्क लेयर दे हेल्प इन द प्लांट क्लाइंबिंग एंड रिड्यूस द रिड्यूस द ट्रांसफरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफोरेशन को रिड्यूस करना और हरबेसियस एनिमल्स से बचाव करना दे कंजर्व द वॉटर प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एनिमल्स वगन वॉलिया में पाया जाता है तीसरा है फाइलोक्ट्स फाइलोक्लेट्स हाँ जो होता है ये जो छोटे छोटे कांटे हैं ये लीफ का मॉडिफिकेशन है जो फ्लैट एंड ग्रीन होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेसिस में मदद करता है लीफ नहीं कर पाता है तो दे आर मॉडिफिकेशन ए स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ दे आर ग्रीन इन कलर शो द फोटो सिंथेटिक उपंशिया स्पाइन इज मॉडिफाइड टू द लीफ जो स्पाइन ए छोटे छोटे कांटे हैं वो लीफ में मॉडिफाई हो जाते हैं और दे आर

एक्जेरी बर्ड्स इन टू द्रांचेज द लीफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपेक्स एंड ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन फोट फोटोसिथेसिस और ये पूरा लीफ ब्लेड है या लीफ लामिना का ही है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स और वेनलेट्स होंगे एंड दिस इज द एपेक्स और मार्जिन वॉट एवर यू वॉन्ट टू से स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पिटियोल लीव विदाउट पिटियोल इज कॉल्साइल ऑन द leaf base the lateral outgrowth are present of each other the side of the leaf is called a stipules and leaf without a stipule is exsipulated typical leaf consists of three parts leaf base petiole and lamina leaf is attached to the stem by the leaf base and maybe bear the two lateral stem leaf like structure some legume plants are leaf base and become solid which is called pulvinus pulvinus or uh, pulvinus <coughs> पिटियोल हेल्प इन होल्ड द ब्लेड ऑफ लाइट एंड लॉन्ग फ्लैक्सीबल पिटियोल हेल्प इन होल्ड द ब्लेड ऑफ टू लाइट लॉन्ग थिन फ्लैक्सीबल पिटियोल अलाउ द लीव ब्लेड टू फ्लटर्स इन फ्लटर्स इन विंड हवा जब चलती है तो आवाज आता है वो लीव के वजह से ही होता है <coughs> पाइलोटैक्सी का मतलब ये होता है कि दैट इज द पेटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच लीफ स्टेम पे कैसे अरेंज हैं तो अगर मान लीजिए अपोजिट है इधर लीफ है, है, है फिर इधर है फिर इधर है फिर इधर है दे आर कॉल अल्टरनेट टाइप अपोजिट का मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे है ना दे एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे तो अल्टरनेट का एग्जाम्पल है चाइना रोज और अपोजिट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस अन गवा और एक होता है वॉल्स वॉल्स का मतलब होता है एक ही जगह बहुत सारे लीफ प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड वॉल्स अल्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ लीफ दे आर इज कॉल सिंपल लीफ दिस इज कॉल यहाँ से ये ब्रांच है फिर यहाँ से लीफ निकला और ये जो है ये लीफ लामिना बना दिया यहाँ पे क्या होता है कि दिस पार्ट दिस पार्ट इज इलोंगेटेड एंड दे फॉर्म रैकेस ये रैकेस बनाता है और रैकेस पे लीफ अरेंज होते हैं तो दे बिकम कंपाउंड तो कंपाउंड में पाइन पाइनेट्री पालमेट्री पाम की तरह होंगे रैकेस के पास टिप के ऊपर पाम हो जाएगा सिल्क कॉटन में ऐसा देखा जाता है पाइनेट्री नीम में देखा जाता है इन्फ्लुएंसिस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लार ऑन द फ्लोरल एक्सेस इन्फ्लुएंज फ्लार इज ऑल्सोज ऑल्सो कॉल पेडंकल स्टॉक ऑफ फ्लार इज नॉन एट पेडिसिल फ्लार विदाउट पेडिस इज कॉल्डाइल टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेज देर इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लुएंसेज एंडर इज कॉल साइमोज इन्फ्लुएंसेज रेसिमोज इन्फ्लुएं द मेन एक्सेस कंट्रीब्यूट टू ग्रो द फ्लार आर बॉर्न लेटरली एंड एक्रोपिटल मैनर एक्रोपिटल मैनर का मतलब होता है कि ओल्डेस्ट फ्लार एट द बेस जो पुराने फ्लार हैं बेस पे रहेंगे यंग बिल्कुल टिप पे रहेंगे और साइमोज में आप देखेंगे जो ओल्डर फ्लार है वो टू ऊपर रहेंगे और जो नए फ्लार होंगे वो नीचे रहेंगे इस लीफ लैमिना के अंदर लीफ लैमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज हैं दैट इज कॉल्ड कॉल्डन दे आर टू टाइप द पैरेलल एंड रेटिकुलेट रेटिकुलेट मतलब घुचर uh, मुचुर टाइप का होगा पैरल में मतलब सीधा सीधा होगा तो अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स और वेनलेट्स ऑन द लीफ लैमिना इज नॉन एज वेनेशन वेन द वेन वेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क दैट फॉर्म द वेनेशन द टर्म एज रेटिकुलेट पैरल वेन द वेन्स रन पैरल टू ईच अदर विद इन द लामिना द वेनेशन इज टर्म एज पैरल वेनेशन

तो बहुत सारे इंसेक्ट आके उसे ट्रैप हो जाते हैं और मर जाते हैं फ्लाई ट्रैप इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंडल फॉर द क्लाइंबिंग एग्जाम्पल पी स्पाइन फॉर द डिफेंस कैक्टस फूड स्टोरेज अनियन एंड गार्लिक पिट्यूल यूल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑस्ट्रेलियन कैकेशिया लीफ आर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लीव मॉडिफाइन टू द ट्रैप टू इंसेक्ट पिक्चर प्लांट वेनस फ्लाई ट्रैप नाउ वी हैव हैव अ अ अ फ्लावर 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 वी इज है Uh, reproductive uh, unit of angiosperm thalamus or receptors the typical flower has a uh, flower different kind of walls arranged in success uh, successively on the solen and, and stock Petiole are called thalamus or receptacles term related to the flower calyx corolla androsium ganesium androsium is a male part ganesium is a female part there are two type of flower the complete and incomplete कंप्लीट का मतलब होता है कि चारों फ्लोरल अपेंडिक्स अगर प्रेजेंट हो तो दे आर कंप्लीट अगर कोई एक एबसेंट हो तो इनकम्प्लीट तो चारों प्रेजेंट हो तो चाइना रोज इनकम्प्लीट में लूफिया आता है बाइसेक्सल फ्लावर विच हैविंग द बोथ द सेक्स ऑर्गन यूनिसेक्सुअल ओनली द वन सेक्स ऑर्गन आइदर मेल एंड फीमेल सिमेट्री की बात करें कि अगर फ्लार को बीच बीच से काटें और किसी भी एंगल से काट दें मान लीजिए आपका फ्लार है यहाँ से काटिए यहाँ से काटिए यहाँ से काटिए यहाँ से काटिए पूरा एक तरीके से डिवाइड हो जाए दे आर कॉल दे आर कॉल रेडियल सिमेट्री और एक्टीनोमल हाफ एनी रेडियल एग्जाम्पल है रेडियल सिमिट्री जाइगोम एक ही आप प्लेन से काटेंगे तो फ्लार डिवाइडेड इंटू द टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन पी गुलहर बीन का केस या एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट

बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिसोला एंडोसियम गाइनेशियम एंड ओवर फ्लार इज डिस्क्राइब एज हाइपोगा बहुत इंपॉर्टेंट है पेरी गाइनस एंड एपी गाइनस हाइपोगाइनस में क्या होता है गाइनेशियम 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 ऑक्योपाई द हाइस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट गाइनेशियम सबसे ऊपर होता है बाकी सारे पार्ट नीचे से शुरू होते हैं पेरी गाइनस रिम बनाते हैं इफ द गाइनेशियम इज सिचुएटेड सेंटर ऑफ द अदर पार्ट एंड फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम मतलब रिम पे ग्रो करते हैं और एपिगैनस वेन द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज इट तो इसमें देखेंगे हाइपोगाइनस में द ओवरी इन सच फ्लावर इज कॉल्ड इज कॉल्ड सुपीरियर मस्टर्ड चाइना रो इज ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल देखेंगे पेरीगा तो प्लम रोज एंड पीच प्लम रोज एंड पीच एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है और लास्ट इज एपिगनस में आप जानते हैं, रहते हैं है ना? Corolla, Corolla जो होते हैं कलरफुल होते हैं ब्राइटली कलर होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन राइट एस्टिवेशन का मतलब होता है कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पैटल्स द फ्लोरल बर्ड्स रेस्पेक्ट टू द अदर में सेम वॉल इज कॉल एस्टिवेशन देर आर फोर टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल वालवेट टिकेटेड एंडवेट में नियरली टच टू इच अदर दैटल आर नियरली टच टू ईदर कैलोट्रॉपिसड में एक दूसरे के ट्विस्ट करेंगे यहाँ से एक आएगा फिर यहाँ से शुरू होगा फिर यहाँ से शुरू होगा फिर ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं देख रहे हैं वन इज आउटर अनादर इज इनर वन इज आउटर अनादर इज इनर चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन इम्रिकेटेड ए कम्प्लीटली अंदर ए कम्पलीटली बाहर इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पैटर ओवरलैप इच अदर बट नॉट इनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एग्जाम्पल ककेशिया एंड ग्लूमोहर एंड लास्ट इज वैक्लरी पेपिलेनोमी फैमिली में पाया जाता है पी और बीन फ्लॉर्स में देखा जाता है फाइव पैटर्स आर लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप टू लेटर दो लेटरली ओवरलैप करेंगे विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे एंड्रोसियम इज अ मेल पार्ट

इन टू वन बंच और बंडल चाइना रोज में देखा जाता है टू बंडल पी में देखा जाता है दो बंडल होंगे तो सिट्रस में देखा जाता है गाइनिशियम द फीमेलोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लाप ऑफ वन और टू का थ्री पार्ट मेनलीगमा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी इज एन लार्ज बेसल पार्ट ऑन विच ऑलोंगेटेड द स्टाइल द स्टाइल इज कनेक्टेड टू द ओवरी

तो ये सारा चीज़ है सिन कार्पस किसमें किसमें देखा जाता है एम टी एस से याद कर लीजिए एम फॉर एम फॉर मस्टर्ड टी फॉर टोमेटो एंड एस फॉर दिन कार्पस प्लेसेंटेशन इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो मार्जिन प्लेसेंटेशन सारे के सारे जो uh, होंगे मार्जिन uh, में होंगे द प्लेसेंटा फॉर द रिज अलोंग विदेंटल फ्यूचर ऑफ द ओवरी सारे ओव्यूल एकदम मार्जिन पे होंगे एग्जाम्पल पी पी में देखा जाता है ठीक है एग्जाइल में बात करें द प्लेसेंटा इज एक्सियल ओव्यूल आर अटैच टू द मल्टीलोकुलर ओवरी टीएलसी याद कर लीजिए टीएलसी मतलब टी मतलब टोमेटो एल मतलब लेमन सी मतलब चाइना रोज पेराइटल माँ से याद कर लीजिए मस्टर आर्जी फ्री सेंट्रल डीपी से याद कर लीजिए डाइंथस एंड प्राइम रोज और बैसल में सनफ्लावर मैरी गोल्ड टूट ऑलरेडी हम लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं तो इसे हम स्किप कर सकते हैं और सीड भी हमने उस क्लास में पढ़ा पढ़ाई है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं मेचोर सीड और एल्बोमिनस सीड हमने क्लास ट्वेल्थ में देखा हुआ है सीड मोनोकॉर्ट सीड डाइकॉट सीड ये सारे चीज हमने देख लिया है ठीक है तो सीड का एडवांटेज यहाँ से हम करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स बी आर मतलब ब्रेकटेड सी मत मतलब कैलेक्सी के मतलब कैलेक्सी मतलब कोरोला पी इज अ पेर मेल फीमेल इज सिंबल है अच्छा गाइनेशियम के नीचे अगर लिख दें तो सुपीरियर ओवरी हो जाएगा उ, उसके ऊपर लिख दें इनफीरियर ओवरी हो जाएगा याईसेक्सुअल एक्टिनो मोरफक आपको पता ही है कि किसी भी लाइन से पास करिए फ्लाट डिवाइड होगा एक ही लाइन पास करना है जाइगोमेट्रिक और ब्रैकेट होगा तो फ्यूजन होगा पहला फेम फेवीएसी फार्मूला आपको याद करना है ये परसेंटेज का साइन है ये बाई सेक्सुअल है कैलिक्स पाँच है फ्यूज़ है आप देख रहे हैं ऊपर वाला ये जो कैलिक्स है ये पाँच है और एक दूसरे से फ्यूज़ है कोरोला जो है वन प्लस टू प्लस टू टू फ्यूज हैं है ना टू फ्यूज हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ये वाला नीचे वाला फ्यूज है और बाकी दो फ्री हैं और एक ऊपर है एंड्रोसियम नाइन है है ना नाइन है और एक फ्री है तो आप एक इसे एक फ्री वाले को देख पा रहे हैं ये फ्री है और ये नाइन आपको नजर आ रहा है एंड दिस 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 इज 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 वन राइट तो इसके फ्लोरल कैरेक्टर हैं मैं नोट्स भेज दूंगा ये देख लीजिएगा Uh, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें अगर तो सोर्सेज ऑफ पल्स ग्राम अरहर सीम मूंग सोयाबीन एडिबल ऑयल सोयाबीन ग्राउंड नट डाई इंडोगोफेरा फाइबर्स सनहम्प पोडर सस्बीनिया ऑर्नामेंटल मेडिसिन मुलाठी भी होता है सॉलेन पोटैटो फैमिली होता है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन फ्लोरल फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्मल फॉर्मूला याद कर लीजिए फ्लोरल डाइग्राम कभी कभी पूछा जाता है डाइग्राम से आपको फॉर्मूला करना पड़ता है और एक से इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दे आर सोर्स फॉर द फूड टोमेटो ब्रिंजल स्पाइसिस चिली मेडिसिन बेलोडोना अश्वगंधा फोमिगेट्री और ऑर्नामेंटल लिलियसी फ्लोरल फार्मूला आपको लर्न करना है फ्लोरल डाइग्राम भी लर्न करना है दे आर गुड ऑर्नामेंटल सोर्सेज ऑफ मेडिसिन वेजिटेबल्स कॉल्चिस इन एक्सेक्ट्रा थैंक यू सो मच सो एनाटमी ऑफ फ्लारिंग प्लांट एनाटमी होता क्या है एनाटमी का मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक जयलम फ्लोयम ट्रकी एपिडोमिस हाइपोडोमिस जितनी भी अंदरूनी चीज़ें हैं प्लांट्स के उसको हम एनाटमी कहते हैं तो सारे के सारे सेल्स मिल के टिशू बनाते हैं आप लीनी समझते हैं एंड टिश्यू दे फॉर्म द ऑर्गन ऑर्गन दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन The main group of meristematic and permanent tissue. There are two type of cells or uh, tissue. The uh, the meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue jo hote hain always dividing in nature hote hain They keep on dividing and dividing throughout the lifetime. isliye plant mein hamesha growth hota hai Plant के मरने के एक second पहले भी growth देखा जाता है. Unpermanent tissue का मतलब होता है कि यही meristematic tissue convert होके permanent tissue में बदल जाते हैं, right? सो मैरिस्मेटिक टिश्यू द मेरिस्मेटिक विच अकर एट द द टिप ऑफ रूट इसलिए रूट इलोंगेट करता है शूट एंड प्रोड्यूस अ प्राइमरी टिश्यू दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट शूट एपिकल एंड दे आर एक्सिलरी बर्ड मेरिस्टम्स विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नॉन्ड एज इंटर कैलरी मेरिस्टम्स इसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टम्स भी कहते हैं

fibres or reeds. The fiber are thick wall, elongated pointed cells and generally occurring in the group in the various part of the plant. Uh, reeds are a, uh, a spherical, oval and cylindrical and highly thickened dead cell which uh, which is very narrow cavity which is lumen. Cavity means lumen. They are commonly found in the fruit wall of nut, pulp, fruit, guava, pear, sapota and this सीड कोट इन दग्यूम लीफ टीन काोवाइडेड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन कम्पलेक्स टिश्यू के बारे में बात करें जयलम एंड फ्लोइम कंस्टीट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लाट जायलम के बारे में बात करें द फंक्शन एज द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द वॉटर एंड मिनरल्स फ्राम द रूट ऑफ द स्टेम एंड लीव इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लाट पार्ट तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं दे आर कंपोज ऑफ फोर एलिमेंट्स जयलम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ट्रुकिड्स वेसल्स जयलम फाइबर एंड जयलम पेरिंग जिमन फॉर्म के पास कोई भी वैसल्स नहीं होता है और इनके जायलम के अंदर ट्रकीड्स दे आर एलोंगेटेड ट्यूबलाइट ए स्ट्रक्चर विद इन दिक लिग्फाइड वॉल एंड टैपरिंग एंड इनका एंड बहुत टैपरिंग रहता है दिस आर डेड विदाउट प्रोटोप्लास ट्रकीड्स एंड वैसल्स आर द मेन वॉटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट ऑल्डो आपसे पूछा जाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है तो जायम करता है उस तो जाइलम के अंदर कौन करता है

अरेंजमेंट इज कॉल तो ये डिफिनेशन से काफी क्वेश्चन हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड आपको पता है किता है यूजली फ्रॉम द लीफ क्योंकि लीफ इज अस एंड सिंक इज अ रूट एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लोएम इन दम कंपोज ऑफ दीप ट्यूब फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट होते हैं कंपिनियन सेल होते हैं फ्लोएम पेरिंकाइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं सीव ट्यूब के बारे में बात करें तो दे आर एंड वॉल आर परफोरेटेड परफोरेटेड मतलब खुला रहेगा ताकि फूड का ट्रांसलोकेशन हो पाए सीव लाइक मैनर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पेरिकाइमेट सेल्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ताकि वो प्रेशर से खाना मूव कर सके

फ्लोएम फाइबर्स जूट फ्लैक्स हेम आर यूज कमर्शियली फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम एंड बाद में जो बनता है उसे पहले लाइन से क्वेश्चन आया है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी कंप्राइजेस द एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एपिडर्मल अप होता है द रिड्यूस ट्रांसफरेशन वॉटर लॉस को बचाएगा लॉस ऑफ वॉटर क्यूटिकल एज एबेंट इन रूट क्योंकि रूट का मेन काम है कंडक्शन ऑफ द वॉटर एंड मिनरल वहाँ क्यूटिकल होंगे तो पानी कैसे अब्सॉर्ब होगा तो एस्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांस ट्रांसपेरेशन एंड गैस एक्सचेंज एक्सचेंज इस्टोमेटा कंपोज ऑफ द टू बीन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गार्ड सेल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा जब गार्ड सेल फूलेगा तो एस्टोमेटा खुलेगा द लॉट ऑफ पोटेशियम आयन इज प्रेजेंट इन साइड द गार्ड सेल देर इज अ इंक्रीज द वॉटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल अगर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा

थ्री सब जोन होते हैं आउटर जोन को हाइपरडर्मिस कहते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द फ्यू लेयर लाइक कॉलिकाइमा सेल्स जस्ट बिलो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम कॉर्टिकल लेयर दे बिलो द हाइपरडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द राउंड थिन वॉल पेनिंगमा विच इज कॉन्सिपिशियस इंटरसेलुलर स्पेस इनरमोस्ट लेयर के बारे में बात करें अगर इनरमोस्ट लेयर

ामा एबसेंट होता है बारे में बात करें तो एपीडर्मे विच कवर द बोथ अपर सर्फेस एंड द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव इज कॉल्ड कॉन्सपीसियसूटिकस मीजो द्लोरोप्लास इज द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसेंथिस दे कैरी आउट द फोटो मेड अप ऑफ एन काइमा क्योंकि मेजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो लाइट को खींचेगा टू टाइप ऑफ सेल्स द पहली सेड पैरिंग कायमा एंड एंड स्पॉन्जी पैरिंग कायमा वैस्कुलर सिस्टम दे इंक्लूड द वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिड रिप द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर इन ग्रासिस सॉर्टेन एडेक्सियल एपीडर्मल सेल अलॉन्ग विद द वेन मॉडिफाइड दम सेल्फ इन टू द लार्ज एम्पटी कलर सेल दे आर कॉल बुलीफॉर्म सेल इसको हम बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्लांट एग्जिबिट द इनक्रीज इन द गर्ट कॉल सेकेंडरी ग्रोथ इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं द टिश्यू इन्वॉल्व द सेकेंड्री ग्रोथ इज द लेट्रल मेरेस्थम द वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम दिस मैरिस्मेटिक लेयर Can be responsible for the cutting of the vascular tissue and they are called vascular cambium. Now we have a activity of cambium bring the cells cut off toward the pith and mature, and they are secondary xylem, which is cut off toward the periphery and they form a secondary phloem. The cambium is generally more active in the inner side than the outer side. This is important line the amount of secondary xylem produce more than secondary phloem and soon they form a compact mass the cambium form the narrow band parenchyma which poses through the secondary xylem and uh, secondary phloem this uh, uh, that, that that's called radial direction these are secondary medullary rays now spring wood and autumn wood the spring season the cambium is very active they produce a large number of uh, uh, xylem elements having the vessels and wide wider cavity the wood formed during the season is called a spring wood or early wood winter is uh, wind in the winter cambium is less active or uh, they form a fewer gallery elements and they have a narrow vessels they are called autumn wood or late wood a spring wood is higher uh, lighter in color lower density whereas the autumn wood are dark and the higher density higher density एन्य uh, कट अगर आप स्टेम को काटेंगे तो आपको कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इजीमेट क्वेश्चन हार्डवुड एंड सैप वु द रीजन जब आप स्टेम को काटेंगे तो बीच में आपको डार्क नजर आएगा बाहर लाइट नजर आएगा तो दिस डार्क वन इज कॉल हार्ड वुड लाइट इज सैप वुड हार्डवुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सैप वुड कंडक्शन प्रोवाइड करता है तो हार्ड वु डज नॉट कंडक्ट द वाटर बट दे गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द इन्वॉल्व द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव नावी स्टेम कंटिन्यू ग्रो इन गर्थ मतलब उसकी चौड़ाई मोटाई बढ़ रही है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल And epidermis layer get broken and need to replace and provide the uh, new pro protective lay cell layer. Uh, Phalorogen is a couple the couple, uh, the layer is thick, they are made up of narrow, thin uh, wall, nearly rectangular cells. Phalorogen cut off the new cells, both the sides. The outer cell differentiated into the cork ambien. The cork is uh, impervious to water uh, to the submarine deposition to the cell wall. फेलोरोजन फ्लेम, फेलोरोडम आर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बार्क इज द नॉन टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू दिश्यू विच इज एक्सटीरियरली बाहर हो वैस्कुलर कैम्बियम के सेकेंडरी फ्लोएम पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बार्ग इज फॉर्म अर्ली इन दीजन दे आर कॉल अर्ली और सॉफ्ट बार्क टू एंड ऑफ द सीजन लेट एंड हार्ड वर्क this uh, parenchymatous cells soon rupture and epidermis forming the lens shape structure is called lenticels this is important one lenticel permit the ex gaseous exchange between the outer atmosphere internal tissue of the stem that's all so structure organization in animals a group of similar cell along with the intercellular substance perform a specific function perform a specific function टिशू तो टिशू जो होता है सेल्स सेल्स uh, से ओरिजिनेट होके बना है सेल्स से ओरिजिनेट होके आया है और सिमिलर टाइप के सेल्स कंबाइन होकर टिशू बनाते हैं टिश्यू के कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं एनिमल टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे कैन बी क्लासीफाइड द कैन बी क्लासीफाइड द एपीथीलियल कनेक्टिव मस्कुलर और न्यूरल है ना एपिथीलियर कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल नाउ स्टार्ट विद द एपिथीलियल टिश्यू दे प्रोवाइडेड द कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द सम बॉडी पार्ट राइट दैट इज कॉल्ड एपिथीलियल टू टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यू होते हैं वन इज कॉल्ड सिंपल अनदर अदर इज कॉल्ड कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है सिंपल सिर्फ एक टाइप के सेल्स होंगे कंपाउंड मतलब अनदर एक या दो से अधिक सेल्स आपको मिल सकते हैं सिंपल एपिथीलियम कम्पोज ऑफ सिंपल एपिथीलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स एंड फंक्शन एज द बॉडी कैविटी डक एंड ट्यूब दिस इज इंपॉर्टेंट है ना तो बॉडी बॉडी कैविटी जितनी भी होती है डक्स होते हैं ट्यूब होती है वहाँ पे सिंपल एपिथीलियम पाया जाता है एंड द कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल्स लेयर दे हैव अ प्रोटेक्टेड एंड एंड इन इन स्किन स्किन राइट सो ऑन द बेसिस है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स इज फर्दर डिवाइडेड इन सिंपल को स्क्वाइमस क्यूबाइड कॉलमार में डिवाइड करते हैं तो एस्कस में देख सकते हैं आप एनसीआर का डायग्राम है नजर आते, हैं। में टाइप के सेल्स नजर आते हैं और आपको में इसके ऊपर आपको सीलिया नजर आ रहा है तो स्क्वाइमस एपथिलियम इज मेडअप ऑफ एक्वाइमस एफिलियम इज मेडअप ऑफ एक्वाइमस एपथिलियम इज मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ सिंगल थ Uh, thin uh, flattened cells flattened cells with the irregular boundaries irregular boundaries uh, is kahota and they are found in the wall of the blood vessels ear sac of the lungs and involved in the functions like the diffusion of the boundary cuboidal epithelium it is composed of the single layer cube like structure they are commonly found in the duct of the gland tubular part of the nephron is a question kidney and main function is secretion

For the and they are कुछ cells होते हैं जो एलोमेट्री के फॉर्म में, में, so में जानते हैं मल्टी सेल्युलर कंसिस्टम और क्लस्टर ऑफ सेल्स विच इज कॉल्स एक्सोक्रैन ग्लैंड और एंडोक्रैन ग्लैंड से आप अछूते नहीं है एक्सोक्रैन ग्लैंड While the endocrine gland they, they, they do not have any duct, their secretion directly into the blood and lymph. So, exocrine gland they secrete the mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme, is question have, and other cell products. These products are released through the duct or tubules. Endocrine gland do not have a duct. Their products, uh, the, their products are called hormone. and they are secreted directly into the fluid bathing in the glands. Right? Fluid bathing in the glands. कंपाउंड के बारे में बात करें दे आर मेड मोर देन वन दैट इज अ मल्टी लेयर ऑफ द सेल्स एंड दस दे अ लिमिटेड रोल इन सिक्रिएशन एंड एब्जॉर्ब द मेन फंक्शन प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट द अगेंस्ट द कैमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन जितने भी ड्राई सर्फेस के स्किन है वहां पर कवर करते हैं मॉइस सर्फेस ऑफ बकल कैविटी फैरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक स्लैरिक्लैंड एंड पेंक्रियाटिक टाइट जंक्शंस सेल के बीच में टाइट होगा तो कोई कॉम्युनिकेशन नहीं होगा दे स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू एडहेरिंग जंक्शन लिटिल बिट सब्सटेंस कैन बी दे परफॉर्म द सीमेंटिंग एंड कीपिंग द नेवरिंग सेट्स टुगेदर एंड द गैप जंक्शन दे अलाउ समप जिससे हम सेल्स के और सेल के बीच में कॉम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं द गैप जंक्शन फैसिलेट द सेल्स फॉर द कॉम्युनिकेशंस विद द each other and connecting the cytoplasm and adjoining the cells of the rapid transfer of ion small molecules and sometimes the big molecules now we have a connective tissue connective tissue is the most abundant and widely uh, widely um, <clears throat> uh, yeah so widely uh, widely distributed in the body of the complex uh, complex uh, animals the all connective tissue except the blood the cell secrete fiber or a structural protein called the collagen or elastin fibers fiber provide the strength elasticity and flexibility of the tissue connective tissue are classified into the three group the loose connective tissue dense connective tissue or a specialized connective tissue a specialized connective tissue loose connective tissue the cells and fibers loosely arranged इन अ सेमी फ्लूड सब्सटेंस द एग्जाम्पल द एरोन दे कंटेन द फाइबर आपको डायग्राम याद आ रहा होगा दैट प्रोड्यूस्री द फाइबर माइक्रोफिजन एंड मार सेल एडिपोज टिश्यू दर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दे आर लोकेटेड बिनीथ द स्किन बिनीथ द स्किन द एक्सेस न्यूट्रेंट का विच आर नॉट यूज इमिडिएटली अगर आपने बहुत सारा न्यूट्रंट ले लिया और इमिडिएट uh, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दे आर डिपोजिट इन साइड द डिपोज टिशू है ना और इससे आप मोटे हो जाएंगे द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्वलाजन डेंस इरेगुलर टिश्यू बिटवीन द मेनी पैरल बंडल ऑफ द फाइबर्स टेंडनल लिगामेंट डेंस इरेगुलर टिश्यू आर द फाइबर मोस्टली क्लाजन आर ओरिएंटेडेड डिफरेंटली इन द स्किन इंटरसेल्युलर मटीरियल ऑफ द काटिलीज इज द सॉलिड एंड प्लाबल

they are rich in the calcium salt and collagen fiber which give the give us strength bone support and protect present at the tip of the nose outer ear are joined between the adjacent bone and vertebral column bone ke me bath karin. they have a hard or non pliable ground substance which is rich in calcium salt and collagen fibers which give the bone its strength bone support and protect and present the space called lune uh, the bone मैरोज समाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स ब्लड के बारे में बात करें तो दे आर फ्लूड कनेक्टेड टिश्यू कंटेनिंग द प्लाज्मा रेड ब्लड सेल आरबीसी वाइट ब्लड सेल डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट नाउ द मसल टिश्यू द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट एंड इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेश रिलैक्स विच लेंथ एंड रिटर्न टू द अनकट्रैक्टेड स्टेट एंड कॉर्डिनेटेड फैशंस मसल आर थ्री टाइप ऑफ थ्री टाइप द स्केलेटल मसल स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल एस्केलेटल मसल द टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन दैट टिपिकली मसल सेल्स बाइसेप्स एस्ट्रिएटेड एस्केलेटल मसल फाइबर बंडल टुगेदर एंड पैरल फैशन स्मूथ मसल द फाइबर्स टैपर एट द बोर्ड द एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूजी फॉर्म एंड डू नॉट शो दिएशन उसमें एस्ट्रिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा द बॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वैसे स्टमक इंटस्टीन कंटेन द टाइप ऑफ मसल टिश्यू इनवॉलेंट्री के बारे में बात करें तो कार्डिक मसल सेल्स इज अंट्रेक्टाइल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट कॉम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकलेटेड सम फ्यूजी अलाउड टू सेल टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ यूनिट वेन वन सेल्स रिसीव सिग्नल एंड काउंटरेक्ट इट्स नेवर्स एंड ऑल्सो स्टिम्युलेट द कॉन्ट्रैक्ट न्यूरल टिश्यू न्यूरोन इज अट ऑफ न्यूरल टिश्यू विच इज एक्साइटेबल बाई गिविंग द स्टिम्य neuroglial cell which is constitute the rest of the neural system and protect the support of the neuron now earthworm this is the reddish brown terrestrial invertebrate that inhabit the upper layer of the moist soil during the daytime they live in the burrows they are made up by the boring and soiling the soil and in the gar they are guarded uh, and traces their fecal deposit known as worm casting their common indian worm is parathema and lumbricus 14 to 16 are covered by the prominent dark band. It is called clitellum. Body is divisible into the three prominent regions that is called pre clitoral and post -cliteria. Four pair of spermathecal aperture are situated on the ventro-lateral side of the intersegmented groove 5 to 9 segment. The pair of male genital pores are uh, present which is ventro-lateral side of 18 segment. न्यूमरस माइन्यूट पोर्स आरियो फोर्स विच इज ओपन टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी इच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट क्लाइटेलियम देर आर रॉज ऑफ एस शेप कॉल सीटे सीटे आर एक्सटेंडेड और रिटेक्टेड एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लोको मोशन एनेटमी के बारे में बात करें द बॉडी वॉल ऑफ अर्थ बॉर्म इज कवर बाई एक्सटर्नली बाय द थिं नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो विच द एपिडर्मिस एंड टू मसल लेयर आर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडन and the innermost is coelomic epithelium epidermis is made up of single layer of columnar epithelium which contain the secretory gland cells terminal mouth open into the buccal cavity one to three segment which lead to the muscular pharynx esophagus spans the segment muscular gizzard 8 to 9 segment segment is important it helps in grinding the soil particles and decaying the leaf stomach extend from 9 to 14 segment the food of earthworm is decaying leaf and organic matter are mixed with the soil calciferous gland is present on the stomach which neutralized uh, the humic acid which is present in humus intestine start from the 15 segment and onward and continue till the last segment characteristic feature of intestine between 26 to 35 segment of the presence of internal median fold they are called typhosol. Important. They increase the effective area for the absorption in the intestine. Peritema exhibit the closed type of uh, blood vascular system consisting the blood vessels, capillaries and heart. Blood gland is present on 4th, 5th, 6th segment. Important. They produce the blood cells hemoglobin which dissolve in the blood plasma. Blood cells are phagocytic in nature. Earthworm lack the specialized breathing devices. कोई डिवाइसेस नहीं होता स्किन के थ्रू सांस लेता है ड्राई कंडीशन में वो ले नहीं पाएगा इसलिए इसकी बॉडी मॉइस्ट होती है स्क्रिटरी ऑर्गन अगर सेगमेंटली अरेन्ज क्वाइल्ड ट्यूबुलर विच इज कॉल्ड नेफ्रीडिया विच इज थ्री टाइप सेप्टल नेफ्टीरिया दे आर प्रेजेंट बोथ द साइड ऑफ द इंटर सेगमेंटेड सेप्टा ऑफ द सेगमेंट फिफ्टीन टू लास्ट दैट ओपन टू द इंटरसिन इंट्रोगमेटरी नेफ्रीडिया दे आर अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल third to last and open into the body surface and pharyngeal nephridia they are present in three pair tough four, four, five, uh, four five and six segment. Nephridia regulate the volume and composition of the body fluid. Uh, the nerves uh, system is basically represented the ganglia which is present in the some some uh, uh, the ventral pair of the nerve cord. And nerve cord is the interior uh, third and fourth segment bifurcated laterally encircling the pharynx, and join the cerebral ganglia dorsally to form a nerves ring. Earthworm is hermaphrodite, bisexual. Testes and ovary are present in the same individual. There are two pair of testes, tenth or eleventh segment. Vast difference uh, run up to the 18th segment where they can join a prosthetic ducts. Four pair of spermatheca are located to six to nine segment. One pair of ovary is attached to the intersegmental septum. Uh, that is 12 and 13 and mature sperm egg and nutritive fluid are deposited in cocoons by the glands of clitellum is a question fertilization and development occur within the cocoons which is deposited in the soil the cocoons hold the worm embryo after about the 3 week each cocoons provided a 2 uh, to 20 uh, baby worms with the uh, average four earthworm develop direct there is no larval stage कॉकरोच और फ्रॉक को आपको पढ़ना है मैं नोट्स शेयर कर दूंगा थैंक यू सो.